हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओपूस फूडस्टेप्स टू अ न्यू व्लॉग। तो मेरे आज के व्लॉग में मेरा रेसिपी है मटरशुटीर कोचूरी और आलू दम, जिसको आप मटर की कचौड़ी और दम आलू के नाम से जानते हैं। तो ये एक बंगाली डेलिकेसी है जो हम पूरे साल खा सकते हैं। हम ज़्यादातर विंटर्स में खाते हैं क्योंकि उस टाइम फ्रेश मटर अच्छा मिलता है। तो चलिए बनाते हैं मटरशुटीर कोचूरी और आलू दम। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी आलू को उबालने के साथ। मैंने यहाँ पे हाफ किलो आलू ले लिया है, उसको अच्छे से धो के कुकर में नमक डाल के 4 सीटी लगा दूंगी। जब तक आलू उबल रहे तब तक चलिए हम मटर की जो कचौड़ी है उसका स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने 1 इंच अदरक को अच्छे से धो के पील कर लिया है। अभी ब्लेंडर में मैं डालूंगी 300 ग्राम्स ग्रीन पीस। उसके साथ मैं डालूंगी अदरक, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और 4 हरी मिर्च तोड़ के। साथ में मैं डाल लूंगी थोड़ी सी नमक और पानी और पूरे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक वो फाइन पेस्ट नहीं बन जाता है। कुकर को 4 सीटी लग गया है तो मैं गैस ऑफ कर दी। तो चलिए ये मटर का जो स्टफिंग है इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैं डाल दूंगी ये मटर का जो फाइन पेस्ट बनाया है उसको। उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से पानी पूरा सूख ना जाए। देखिए ये मिक्सचर से धीरे धीरे पानी सूख रहा है। मटर से पानी बिल्कुल सूख गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कचौड़ी के लिए डो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा तेल डाला है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं डो को बना लूंगी। डो को थोड़ा सा हार्ड ही रखना है क्योंकि जब हम स्टफिंग डालेंगे उसमें तो वो ज़्यादा नरम रहा तो वो स्टफिंग बाहर आ जाएगा। देखिए डो मेरा रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। स्टार्ट करते हैं आलू दम बनाना। मैंने बॉइल्ड आलू को मीडियम पीसेस में काट लिया है। मैंने बड़े वाले आलू लिया है, आप चाहे तो वो छोटे छोटे आलू से भी बना सकते हैं। फ्राई में डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें मैं आलू के पीसेस डाल दूंगी और हल्का फ्राई कर लूंगी। आलू हल्का फ्राई हो गया है, मैं निकाल लेती हूँ। उसी तेल में मैं डाल दूंगी 1 तेज पत्ता, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 छोटे छोटे सिनेमन के स्टिक्स, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग और 1 हरी मिर्च।
और थोड़ी सी जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें मैं डाल दूंगी बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक और उसको लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक अदरक का रॉ स्मेल नहीं चला जाए। अभी उसमें मैं एक एक करके मसाले डाल दूंगी, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद नमक और थोड़ी सी चीनी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसमें डाल दूंगी एक टमाटर बारीक कटा हुआ। अभी इस मिक्सचर को फ्राई करूंगी जब तक टमाटर मशी ना हो जाए और मसाले से तेल ना निकल जाए। देखिए टमाटर भी मशी हो गया है और मसाले से भी तेल निकल गया है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप ग्रीन पीस और इसको फिर से थोड़ी देर मिक्स करेंगे। अभी इसमें डाल दूंगी मैं फ्राई किया हुआ आलू के पीसेस और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर कुक करेंगे। अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, पानी ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा थिक ग्रेवी बनेगा। पानी जैसे उबलना चालू हो गया है, देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक और उसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करूंगी। 10 मिनट हो गया है, आलू दम मेरा रेडी हो गया है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी बंगाली गरम मसाला और 2 टीस्पून घी। बस रेडी हो गया है आलू दम। अभी बना लेते हैं मटर की कचौड़ी। जो डो मैंने बना के रखा था उसको फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और छोटे छोटे लोई बना लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके मटर का जो स्टफिंग बनाया था उसको मैं डाल दूंगी। कचौड़ी को बेलने के टाइम पे बहुत हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाने का चांस रहता है। एक एक करके कचौड़ी को बेल के डीप ऑयल में फ्राई कर लीजिए। रेडी हो गया है मटर की कचौड़ी, रेडी हो गया है मोटरशूटीर कोचूरी और आलू दम। अच्छा लगा आपको मोटरशूटीर कोचूरी और आलू दम? प्लीज डू ट्राई, आप खुद खाइए, सबको खिलाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के टाइम पे बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज इतना ही, चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, बाय।